हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पूजा। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वेट लॉस के लिए कुछ एक्सरसाइजेस। फैट बर्निंग एक्सरसाइजेस है ये, बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइजेस हैं, तो आप इसको घर पे जरूर ट्राई कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम स्टार्ट करेंगे जॉगिंग के साथ अपनी एक्सरसाइज। ये बेसिकली आपके लिए वार्म अप भी हो सकता है। अगर आप इसके पहले कोई और वार्म अप करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं एंड देन स्टार्ट कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर जॉगिंग एज अ वार्म अप यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ 40 to 50 काउंट्स कर रही हूँ। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, या अगर आप बीच में थक जाते हैं तो आप बीच में रेस्ट लें और फिर स्टार्ट करें। नेक्स्ट मैं करूंगी स्क्वाट्स। स्क्वाट्स के लिए मैं अपने दोनों पैरों में हिप लेवल डिस्टेंस या उससे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ले लूंगी एंड इस तरह से चेयर की पोजीशन में बैठूंगी और फिर स्ट्रेट खड़े होंगी। आप याद रखें कि आपके जो नीज है वो आपके टो के बाहर नहीं जाना चाहिए, वो अंदर ही रहना चाहिए। नेक्स्ट मैं अपने स्ट्रेट लेग जाऊंगी और अपने जो हाथ है उनको अपने शोल्डर के लेवल पे रखूंगी और इस तरह से पैरों को वन बाय वन आगे की तरफ, अपने दोनों हाथों की तरफ रखूंगी। मतलब आप इस एक्सरसाइज को स्लो भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो बिल्कुल स्पीड में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ कर रही हूँ, अपने दोनों हाथों से चलकर जा रही हूँ और अपनी बॉडी को नीचे पूरा स्ट्रेट कर रही हूँ और फिर चलकर ही वापस आ रही हूँ और अपनी बॉडी से बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो रही हूँ। जब आप वापस आएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट ही खड़े रहना है आपको। ये सारी एक्सरसाइज आप इस वीडियो के साथ साथ भी कर सकते हैं। मैं उसी तरीके से कर रही हूँ कि आप मेरे साथ करें। मैं फिर से प्लैंक वाली पोजीशन में आ जाऊंगी दोनों पैर, जिस तरह हम जॉगिंग करते हैं उसी तरह से हमें अपने नीज को आगे की तरफ लेकर जाना है, अपने पेट को या फिर अपने चेस्ट को इससे टच करने की कोशिश करना है कंटिन्यू। आप हर एक्सरसाइज के बीच में 15 to 20 सेकेंड्स का ब्रेक ले सकते हैं, पर मैं यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ, ज़्यादा ब्रेक नहीं ले रही हूँ एक्सरसाइजेस के बीच में। एंड रिलैक्स। मैं सेम पोजीशन में थी, मैंने दोनों पैरों को पीछे रखा और दोनों पैरों को पूरी स्पीड से अपने दोनों हाथों के पास रख रही हूँ। इसी तरह से एक्सरसाइज होगी और जितनी स्पीड से आप अपने पैरों को आगे रख रहे हैं उसी स्पीड से आपको पीछे भी लेकर जाना है अपने दोनों पैरों को साथ में। रिलैक्स। मैं लेट गई हूं, दोनों पैरों को इस तरह से स्ट्रेट रखा है जमीन पर, अपने कमर को उठा रही हूं ऊपर, बट को अपने स्क्वीज करके अपनी कमर को जितना ज्यादा आप उठा सकते हैं उतना ज्यादा उठाना है। जितनी भी एक्सरसाइजेस मैंने इस वीडियो में बताई हैं सभी आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए है, नॉट एनी पर्टिकुलर पार्ट। तो आप इसको जितना ज़्यादा आप इसको रिपीटेशंस करेंगे, जितनी ज़्यादा बार आप इसको करेंगे उतना ज़्यादा आपकी पूरी बॉडी में ही फायदा होगा आपको। एंड इस तरह से बॉडी को पूरा उठाएंगे और पूरा नीचे लेकर जाएंगे। रिलैक्स। दोनों हाथों से अपने एल्बो लेवल का डिस्टेंस मैंने लिया है और हाथों को इस तरह से पीछे की ओर रखा है और पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट, अपनी हिप को मैं स्क्वीज करके पूरी तरह बॉडी को ऊपर उठा रही हूँ
और अपने पैरों को जितना ज़्यादा आप आगे की तरफ पॉइंट कर सकेंगे उतना ज़्यादा करना है। बॉडी को पूरा ऊपर उठाना है और कमर को भी पूरा ऊपर उठाना है। गर्दन से नीचे की ओर देखना है, गर्दन को कड़क नहीं करना है। रिलैक्स। फिर से एक बार मैं करूंगी। रिलैक्स। नेक्स्ट मैं प्लैंक के लिए पेट के बल लेट गई, दोनों हाथों को मैंने मुट्ठी बनाकर इस तरह रख लिया है। और आप ट्राई करेंगे आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रहे, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट रहे। जितना ज़्यादा आप होल्ड कर पाएंगे उतना ज़्यादा होल्ड करना है, नहीं तो वापस आ जाना है एंड फिर से एक बार ट्राई करना है। प्लैंक से आपका पेट बहुत जल्दी टोन अप होने वाला है, तो इस एक्सरसाइज को जरूर करें। अरे वॉचिंग दिस वीडियो, ये आप जरूर एक्सरसाइजेस अपने घर पे ट्राई कीजिए। बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइजेस हैं, आपकी कैलोरीज बर्न होगी, फैट लॉस होगा और आपकी बॉडी जो है वो बहुत अच्छे से टोन अप होने वाली है इन एक्सरसाइजेस के साथ। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद एवरीवन। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।